नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, कंटिन्यू निफ्टी पिछले चार दिनों से कंटिन्यू हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, उसके बाद से हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसा कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि स्पिनिंग टॉप के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं तो हम वीक हो सकते हैं और हम यहाँ पे 15,000 के पास तक आ सकते हैं, क्योंकि इसी जगह पे हम कंसोलिडेट कर रहे थे 15,000 के आसपास। अब हमने आके 15,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। 14,981 पे हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सेशन में। फ्राइडे के सेशन का जो लो लगा हुआ है वो लगा है 14,900 के आसपास का लो लगा हुआ है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी में वो है 14,721-722 का, और उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14,714 से लेकर के 14,730 के बीच का। ये सपोर्ट निकल के आएगा निफ्टी के अंदर में, तो ये आप सपोर्ट भी मान सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट भी नीचे की साइड का आप मान सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी को ऊपर जाते वक्त 15,222 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर इस लेवल के आसपास यानी 15,200 के आसपास आके यहाँ पे फिर से कोई बेरिश कैंडल बनाता है कोई 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो से आप लोग को बता रहा हूँ कि सेल एंड राइस होगा मार्केट। अब सेल करना पड़ेगा आपको ऊपर की साइड में, कब तक? जब तक ये 14,200 को नहीं निकालता है। फिलहाल आज के लेवल को देख के मैं 15,222 की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए नीचे की तरफ 14,600 आ जाएगा तो फिर लेवल दूसरा निकल के आएगा। निफ्टी देखिए पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, अब ये धीरे धीरे पिछले लो को भी ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है 14,900 वाला लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14,900 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो फिर 14,722 और उसके बाद 14,414 के लेवल यहाँ पे निफ्टी में आ सकते हैं। निफ्टी अब मान लीजिए कि मंडे के सेशन में फ्राइडे के लो को अगर ब्रेक नहीं करता है और इसी लेवल के बीच में मान लीजिए 14,900 से 15,000 के बीच में कहीं पे क्लोजिंग करता है और मंगलवार के सेशन में अगर ये फ्राइडे वाले लो को ब्रेक करेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको नीचे की साइड में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कब? जब हम फ्राइडे वाले लो को वापस ब्रेक करेंगे तो आपको 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन शायद एक दिन में ही देखने को यहाँ पे निफ्टी में मिलेगा, लेकिन उसके लिए मंडे के सेशन में निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, फिर नए सेलर फिर से यहाँ पे एक्टिव होंगे। अब इंपॉर्टेंट है मंडे के सेशन में, देखिए मंडे के सेशन में हमने फ्राइडे के सेशन से लगभग 100 पॉइंट दूर जाके क्लोजिंग की है, तो यहाँ पे देखिए अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए तो हम इस रेंज के अंदर में है, 14,900 से 15,050 की रेंज के बीच में है। 15,050 इसके लिए रजिस्टेंस है। अगर थोड़ी देर हम 15,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर शायद हम 15,080 के लेवल और 15,120 के लेवल भी यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं मंडे के सेशन में। तो मंडे के सेशन में इंपॉर्टेंट है 15,050 का लेवल ऊपर की साइड में जाने के लिए। मान लीजिए 15,050-15,060 के आसपास जाते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो आप वहीं पे इसको सेल भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद, कंसोलिडेट करने दीजिएगा, उसके बाद शायद कोई रेंज बनाएगा उसको हम सेल कर सकते हैं, जिससे निफ्टी वापस आपको 14,900 के आसपास का लेवल यहाँ पे इंट्राडे में दिखा सकता है। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। पहला स्टॉक से हमारा अदानी पोर्ट, तो ध्यान रखिएगा अदानी पोर्ट में जब तक ये अदानी पोर्ट 640 के नीचे क्लोज नहीं करेगा यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखेगी। 640 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसमें यहाँ पे वीकनेस दिखेगी जो कि इसको 600 के आसपास तक लेके आ सकती है। 2550 के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया, उसके बाद धीरे धीरे फिर से आके ये 2360 के आसपास सपोर्ट ले रहा। अब वापस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएंगे वो 2250 और 2100 के टारगेट यहाँ पे एशियन पेंट में नीचे की साइड में निकल के आएंगे। सपोर्ट सबसे अच्छा यही है, बाउंस बैक देना है तो इस लेवल को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बजाज ऑटो 4100 के लेवल को इसने भी ब्रेक करके नीचे की साइड में क्लोज किया। जैसा कि मैं बता रहा था इसके लिए दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, या तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करे या फिर 4100 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करे। अब अगर ये फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है मंडे को तो यहाँ पे टारगेट आपको 3950 और 3930 के टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बजाज फिनसर यहाँ पे जो देखिए कंटिन्यू तीन दिनों से जो इसका लो है वो सेम लो बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही लो को ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी 10,100 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो पहला टारगेट 10,000, उसके बाद 9,990 का यहाँ पे 9,900 का टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हैं
बजाज फिनसर में। बजाज फाइनेंस सपोर्ट जो है वो 5300 के आसपास का यहाँ पे है। भारतीय एयरटेल नज़र बना के रखिएगा, ऊपर का लेवल है 610 और नीचे का जो लेवल हमारा वो है 570 के नीचे क्लोज करेगा तो ये वीक होगा। BPCL 435-440 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे एक आपको चाल देखने को मिल सकती है जो कि 480 के पास तक जा सकता है। ब्रिटानिया कंटिन्यू नीचे की साइड में ही चला रहा, तो जो इसका सपोर्ट है वो है मेरे ख्याल से 3300 के आसपास का। सिप्ला वेट कीजिए, कुछ मत करना है। कोल इंडिया अगर ये नीचे की साइड में 125 से 130 के बीच में मिले तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। डिवीज लैब का जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 3300 के आसपास में। डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे अभी कुछ मत कीजिए। आईसर मोटर ने देखिए 2700 का लेवल ब्रेक किया और कंटिन्यू नीचे की साइड में चल रहा है, तो इसका जो सपोर्ट अब निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2400 के आसपास में। गेल इंडिया अभी कुछ मत कीजिए, ऑलरेडी मूवमेंट ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, नई पोजीशन वहाँ पे मत बनाइए। ग्रासिम देखिए यहाँ पे प्राइस तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल चुका है, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये स्टॉक भी 1190 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा जो कि इसको 1050 के पास तक लेके आ सकता है। सीएल टेक्नोलॉजी 1000 के ऊपर ही यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। अगला स्टॉक हमारा HDFC, देखिए 2800 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। 2800 के ऊपर हमारा टारगेट था 2950 का, लेकिन ये 2900 के पास जाके वापस ये घूम चुका है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। वीक ये कब होगा, ये वीक तब होगा जब ये 2700 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप एक्टिव होकर ट्रेड करते हो तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप में मैं अपने कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगला स्टॉक हमारा HDFC लाइफ। अगर HDFC लाइफ 730-735 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक मूवमेंट यहाँ पे 770 तक देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प नीचे की साइड में ये स्टॉक भी ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे वेट करेंगे हम। हिंडाल्को में यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल यहाँ पे 300 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगी तो फिर इस स्टॉक्स को 270 के पास तक लेके आ सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, इनफी इंतजार कीजिए। IOC जैसा कि मैंने बताया था कि 94-95 के आसपास आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पे जो टारगेट 100 का टारगेट वो अचीव करिए, अगर जिसके पास पोजीशन है तो इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ITC 205-207 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। JSW स्टील कुछ नहीं करना है। LNT में नज़र बना के रखिएगा, ये बेस्ट स्टॉक्स हो सकता है, अगर ये स्टॉक्स भी 1500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है LNT तो यहाँ पे जो टारगेट आएंगे वो 1400 के निकल के आएंगे। मारुति यहाँ पे कुछ नहीं करना है, महिंद्रा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मारुति जैसा कि मैंने दो लेवल बताया था, 7800 के ऊपर जाएगा तो हम इसे बाइंग कर सकते हैं, और 7450 के नीचे ट्रेड करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। जो सपोर्ट अब है यहाँ पे 7120 के आसपास में है मारुति में। नेस्ले कुछ नहीं करना है। अगला स्टॉक हमारा NTPC, तो NTPC में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 110-112 के आसपास में, तो जब तक अभी ये 110 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। ONGC जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करते रहिएगा। यहाँ पे पावर ग्रिड ऑलरेडी 210-212 पे रिकमेंड किया था, 220 और 230 के टारगेट के लिए दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ये 2100 के ऊपर ही नई चाल यहाँ पे देखने को मिलेगी, 2120 के ऊपर क्लोज करेगा तब एक नई चाल देखने को मिल सकती है। SBI लाइफ कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए। 3 सीमेंट में भी कुछ मत कीजिए। सन फार्मा स्टॉक्स जो पिछला सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट मुझे नहीं लग रही तो वेट करेंगे। यहाँ पे टाटा मोटर 300 के नीचे ये वीक हो जाएगा जो कि इसको 260-270 के आसपास तक लेके आ सकता है। टाटा स्टील कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। TCS में भी कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा 1000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर 1050 तक की मूवमेंट दिख सकती है। टाइटन जो सपोर्ट है वो 1400 और उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 1350 का निकल के आएगा। अल्ट्राटेक ऑलरेडी देखिए नीचे की साइड की मोमेंटम यहाँ पर भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आज के लो को ब्रेक करे तो एक मोमेंटम आपको यहाँ पे और देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। UPL कुछ नहीं करना है, विप्रो में भी इंतजार करना है, और झील जब तक ये 205 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। ऑलरेडी वहाँ पे 87,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।